अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर बन रही है फ़िश, तो आज मैं कुछ अलग मसाला बना रही हूँ फ़िश का। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फ़िश का मसाला एक साशे, और मैं इसके अंदर डालूँगी फूड कलर, यानी जिस जर्दे का रंग भी कह सकते हैं और लाल कलर भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डाला। अच्छा, एक चमचा इसके अंदर डालूँगी मैं पिसी हुई मिर्च, आधा चमचा मैंने इसके शामिल करा है हल्दी, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दो चुटकी टाटरी, और इसके अंदर मैंने दो चमचे डाला था बेसन, और नमक मैंने हसबे जायका डाला था। जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें जो है ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसका जो है एक पेस्ट बना लूँगी, और पेस्ट बनाने के बाद जो है इसको मैं जल्दी जल्दी से जो है वो फ़िश पे लगा के रख दूँगी। फ़िश यहाँ पर मैंने जो ली थी वो ली थी दंदिया, और दूसरी कौन सी थी, धोतर, दो ली थी। मतलब अलग अलग मुझे समझ में आ रही थी तो बस मैंने दोनों ही ले ली थी। तो तीन पीस मेरे ख्याल से दंदिया के थे और दो धोतर के थे, ऐसा ही था कुछ बहरा। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं अपना मसाला। और जैसा कि आप सबको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि गैस नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे इसके ऊपर मछली करूँगी आज फ्राई। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा इस तरह मछली पकाने का। तेल मेरे पास पहले से था, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और तेल शामिल करूँगी, कि मैंने जो है इसके अंदर अदरक लहसुन मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से अदरक लहसुन इसमें डाल दिया था, और वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मछली का पीस। बाद में आप लोगों को दिखाती रहूंगी। अच्छा, अब ये जो है हाफ डन हो गई, मतलब आधी पक चुकी है मछली, मैं इसको जो है निकाल लूंगी। अच्छा, ये भी मैंने डाल दिया था एक छोटा सा पीस। आधी तल गई है ये मछली, और मैं इसको अब निकाल लूँगी। इसको मैं अब 5 मिनट के बाद दोबारा तलूँगी, और जब तक मैं इसमें दूसरा पीस डाल लूँगी तब मैं इसको हटा के डालूँगी, क्योंकि मैं डर गई थोड़ा सा। अच्छा, ये यहाँ पर करके इसमें मैं अब डाल देती हूँ दूसरा पीस। चलो, अब मैं इसको रखती हूँ उसके ऊपर वापस। ये देखें, इसको भी मैं हाफ टर्न करूँगी, आधा पकाऊँगी, उसके बाद इसको निकाल के फिर मैं वो जो मैंने निकाला है पीस उसको मैं वापस पूरा फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से मैं सब फ्राई कर लूँगी, और फिर हम जब खाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कैसी लगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और अगर आप लोगों को किसी खाने की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी जो है शेयर करूँ। तो कमेंट कर दिया करें अच्छे अच्छे, और क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है वो भी बता दिया करें। यहाँ पर मैं मछली को पलट रही हूँ। दो मछलियाँ ली थी। अच्छा, एक मैंने ली थी दंदिया और एक मैंने ली थी कौन सी, धोतर। तो जो पहले मछली मैंने डाली थी वो धोतर थी, और ये जो है दंदिया है। तो चलें, अब मैं पका रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है वो चटनी बना ली थी जो फ़िश के साथ हमें खानी थी, और इसकी रेसिपी जो है मैंने पहले से ही वीडियो बना के अपने पेज पे डाली हुई है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो। अगर ये वही जो मैंने अभी आपको जो वीडियो है वो जो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक उसका दे दूँगी, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और ये चटनी आप लोग बनाइएगा। और मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे ये कौन सी डंडिया, तो
डंडिया डंडिया कर रहे थे, डंडिया नहीं है दंडिया है। अच्छा जी, यहाँ पर चटनी बहुत मज़ेदार बनी थी तो मैंने साथ में दही ले ली थी, और दही के साथ जो है मैं चटनी जो है वो इस तरीके से डाल के खाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फ़िश की रेसिपी। इस फ़िश फ्राई में जो है मैंने जो बाहर का मसाला भी डाला है और जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो रेसिपी डांडिया नहीं है, डांडिया है, मैं उसका लिंक दे दूँगी और चटनी का भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआ में बहुत सारा रखिएगा, हमें याद, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आप सबको, और मुझे भी खुश रखे, आबाद रखे अपने शौहर अपने बच्चों के साथ। तो मैं यहाँ पर करूँगी आप सबसे अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। कुछ था हम।